और उनको देख के तो हमें मतलब टेंशन होने लगा ऐसे करके कि पता नहीं हमारा भी वैसे हो जाएगा तो क्या। और अभी भी होता है क्योंकि बाल झड़ना थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है अभी तक, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है, उतना का उतना ही झड़ता है हमेशा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वक्त दोपहर का टाइम हो रहा है, तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। और अभी हमारा पूरे काम हो चुका है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो अभी जाएंगे तो करेंगे। और अभी हमारा बाबू गया था खेलने के लिए, तो जस्ट अभी आया है खेल करके, और पता नहीं क्यों खाना वाना कुछ खा ही नहीं रहा है। थोड़ा सा खिचड़ी बनाया था तो खाया ही, अभी खाया था तो गया था खेलने, फिर आया ही अभी आया, तो फिर जाते हैं थोड़ा सा इसको खाना खिलाएंगे। और थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो घर के चीज़ों से कुछ बनाएंगे, टोनर वगैरह ऐसे ही करके, तो आप सबको दिखाएंगे। और पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बाल झड़ा है ना, कि क्या बताएं हम सबको, देखिए कैसे कैसे बोल रहा है कुछ कुछ। और मतलब एक बार दवा भी कराए थे लेकिन थोड़ा सा भी नहीं ठीक हुआ, थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ था, ना इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ था। दवा भी दो तीन मंथ तक कराए थे लेकिन थोड़ा सा भी नहीं ठीक हुआ था। और कोई कोई कुछ बोलते हैं वो भी लगाते हैं और ठीक भी नहीं होता, पता नहीं टेंशन की वजह से कि क्यों, मतलब कुछ भी कर ले ठीक नहीं होता। और जा रहे हैं, बताएंगे तो आप सबको दिखाएंगे। और आप लोग को कुछ पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे ठीक होगा। कम से कम 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो, इतना ज़्यादा बाल निकलता है, जितना बार भी झाड़ ले वैसे भी जल्दी जल्दी झाड़ते भी नहीं है, कभी कभी 2 दिन हो जाता है झाड़े के बाद। और इतना ज़्यादा बाल, चोटी बनाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि चोटी बनाते हैं इतना पतला सा चोटी होता है, चोटी बनाने का मन ही, बस ऐसे ही जूड़ा वगैरह बना करके रहते हैं। और बाबू को देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। और आप लोगों को कुछ पता होगा तो बताइएगा। और ओनियन जूस भी लगाते थे उससे भी थोड़ा सा ठीक हुआ था, फिर से झड़ने लगा था। और वो लगाने पर पूरा बाल है जो ऐसे हो जा रहा है, पूरा रुखा रुखा करके ऐसे हो जा रहा था। वहाँ पे देखिए कपड़ा रख रहा है, मतलब हम नहीं रखे तो वही रख रहा है, पता नहीं क्यों कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ब्लॉग भी नहीं बनाते, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। और अगर आप लोगों को कुछ पता होगा तो बताइएगा। और वैसे हम जा रहे हैं ओनियन से ही बनाएंगे तो आप सबको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग में आने तक। अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और वहाँ पे देखिए क्या क्या करता है बाबू, क्या कर रहे हैं, जल्दी ला कर रखो जल्दी जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा हुआ है ना, इधर का पूरा बाल छोटा छोटा हो गया है, इधर का पूरा चढ़ गया है, इधर ऐसे करने पर तो दिखाई देने लगता है। और हम लोग मतलब जब हम जा रहे थे वहाँ पे दिल्ली में जा रहे थे, तो एक औरत थी उनका इतना ज़्यादा बाल झड़ा हुआ था, पता नहीं उनको क्या हुआ था या कुछ बीमारी हुआ था, उनका पूरा अंदर का दिखाई दे रहा था, मतलब ये होता है पूरा दिखाई दे रहा था। और उनको देख के तो हमें मतलब टेंशन होने लगा ऐसे करके कि पता नहीं हमारा भी वैसे हो जाएगा तो क्या होगा। और अभी भी होता है क्योंकि बाल झड़ना थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है अभी तक, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है, उतना का उतना ही झड़ता है हमेशा, उतना झड़ता है हमेशा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। दवा भी करा कर देख चुके हैं, थोड़ा सा भी नहीं ठीक हुआ, देखते हैं लगाएंगे बना करके कल, मतलब बाल धोना है तो सोचे कि आज बना कर लगा लेंगे रात में, फिर कल धो लेंगे। जा रहे हैं बनाने के लिए, बनाएंगे तो आप सबको दिखाएंगे, तो
बने रहिएगा आप लोग हमारे ब्लॉग में एंड तक। और यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा काम है, जाते हैं करते हैं, इसको थोड़ा सा खाना भी खिलाना है क्योंकि सुबह में खाया था थोड़ा सा खिचड़ी, और उधर से दरवाजा बंद कर दिया है और भी अंधेरा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या कर रहा है बाबू। ओए बाबू इधर बोल दो बाबू, यहाँ पे देखिए क बना दो, क बना दो, और अभी थोड़ा सा काम है इधर तो, पूरा साफ भी करना है, साफ ही नहीं होता, झाड़ू लगाना है, झाड़ू भी नहीं लगाए, नहीं कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा हो गया और पूरा फिटनेस जैसा लगता है, ऐसा लग रहा है बस सो ही रहे, लेकिन सोने से वाला नहीं है। यहाँ पे बाबू को देखिए बोल रहे हैं कौ लिखो कौ का, इसको सर्दी हो गया है और खोखी सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ हो गया है। इधर देखो बाबू, बाबू इधर देखो ना, हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो, एक बार हेलो बोलो, ओए बाबू एक बार हेलो बोल दो, हेलो हेलो कैसे हैं आप, मामा मामा को बुला दो, मामा आओ आओ ना आओ बोलो, मामा को आओ, देखो 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 ना कितना पढ़ाई करता है, देखिए दू वन वन टू पढ़ो वन, इसे ना कोई पेन चला लिया दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा चार प्याज लिए और इसको कट करना है, किसी को देना है उसमें, इस टाइम का प्याज है तो इसीलिए ऐसा करना है, जाम जाम रहा है। कोई आ गए थे तो इसीलिए गए थे, ये वाला प्याज थोड़ा सा खराब है बना, इसको निकाल देते हैं। हाँ आ जाओ यहाँ पे आओ, इसका छिलका नहीं मतलब, और यहाँ पे देखते हैं देखो आए तो लाया है खिलाने के लिए, कैसे भी काट सकते हैं, हट जाओ यहाँ पे तीत लगेगा, तीत लगेगा। और ये वाला पुराना वाला प्याज है तो इसीलिए जम गया है मतलब, और इसको ऐसे ही कट करना है, कैसे भी कट कर सकते हैं, और इसको कट करके, और तीत मतलब बहुत ज़्यादा तीत लग रहा था ऐसे आग में आ रहा था तो, और यहाँ पे चाय पत्ती 2-3 चम्मच लिए थे, और यहाँ पे हमारा पानी है जो गर्म हो गया था, इसी में चाय पत्ती को देना है और फिर इसमें प्याज देना है, और लगभग 10-15 मिनट तक पकाना है इसको धीमी आंच करके, और फिर पक जाएगा तो उसके बाद इसको छान कर निकाल देना है, और जो बना होगा मतलब सीरम भी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं वैसे
पता नहीं इसे ठीक होगा या क्या होगा, अब लगाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ मतलब ट्राई कर चुके हैं, कुछ भी इससे ठीक नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हम प्याज दे दिए थे और इसको बस 10-15 मिनट तक उबालना था धीमी आँच करके। तो और जब सीरम बनकर रेडी हो जाएगा तो बालों में लगाना है और स्कैल्प में भी लगाना है और बालों को पूरा लेंथ में भी लगाना है, पूरा मतलब पूरा लगा सकते हैं और 2 घंटा तक लगा कर रख सकते हैं, या हम तो रात भर मतलब रात में लगाए थे और सुबह में धोए थे। और क्या बोलते हैं कि पता नहीं इसे ठीक होगा या नहीं, आप लोग बताइएगा आप लोगों को अगर कुछ पता होगा तो। और इसे हफ्ता में 2-3 बार लगा सकते हैं, तो पता देखते हैं कि ठीक होता है या नहीं ठीक होता है। वैसे बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। खिला दो बालू, खिला दो, खत्म हो गया। देखिए कैसे करके देख रहा है, इसको खत्म हो गया है, कहाँ से खिलाए। मिलते हैं आप सब से, आप सब 10 मिनट बाद, 5 मिनट तो हो ही गया होगा, तो पक रहा है हमारा जो सीरम बन रहा है। सीरम या कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको 2 घंटा तक रखना है लगा करके, लेकिन रात में लगाएंगे तो रात भर रख लेंगे, सुबह में बाल धोना है तो धो लेंगे। देखिए कैसे करके काट रहा है, काटने के लिए बोल। और ये जो सीरम है जो हमारा ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है, और इसको मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं, 1 हफ्ता तक रख सकते हैं, फिर दूसरा बनाना पड़ेगा। तो हम इतना ही बनाए हैं कि 2-3 बार लगाने पे ख़त्म हो जाएगा, फिर से दोबारा बना लेंगे, देखते हैं ठीक होता है या नहीं। तो यहाँ पे बाबू को लग रहा था चाय है, इसीलिए वो मांग रहा था, तो इसको एक बोतल में भर कर। तो हम छत पे आ गए हैं और हमारा जो बनकर रेडी हो गया है, थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए उसको ठंडा करने के लिए रखे हैं, ठंडा हो जाएगा तो बोतल में भर करके रख देंगे। और हमारा बाबू है जो, उसको लग रहा है चाय बनाए हुए, तो चाय मांग रहा है, उसको लग रहा है कि चाय मतलब जिसमें चाय बनता है उसी में बनाए, तो उसको लग रहा है कि चाय है। वैसे वो वाला चाय तो पीता नहीं है, कोई भी चाय पीता नहीं है, बस थोड़ा सा टोस्ट होता है ना वही मतलब करके खा लेता है, नहीं तो उसको लग रहा है कि टोस्ट मतलब चाय है, तो मांग रहा था। अभी जस्ट अभी नीचे से आए हैं, नीचे में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, तो इसीलिए सोचे कि ब्लॉग को एंड कर देते हैं, फिर जाएंगे। वो अभी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा था, तो अभी आए यहाँ पे छत पे। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जिससे अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।